नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका डीवी प्रोफेशनल। जैसे कि आप देखें, बड़े बॉक्स में जो है मैंने ओसाका की जो 18 इंचेस की रिंग लाइट मंगाई है, तो मुझे बॉक्स के कंडीशन पे थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने चाहा कि वीडियो चालू करते हुए ऊपर वाला बॉक्स भी ओपन करता हूँ। इसके अंदर जो है इतना साइज का जो ओसाका लाइट का बॉक्स होगा, उससे पहले आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सी लाइट हमने ऑर्डर की। तो ये लाइट जो ऑर्डर की, इसकी लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखने मिल जाएगी, 18 इंच की एलईडी लाइट है विथ स्टैंड आपको देखने मिलेगी। प्राइसिंग यहाँ पे देख सकते हो आप, साथ ही में जो है 7 डेज रिप्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। और ये सारे जो है की स्पेक्स दिए उन्होंने, हाईलाइट किए यहाँ पे। अगर बॉक्स की बात करूँ, बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हो, तो यहाँ पे वो आपको देखने मिल जाएगी। ये सारी चीज़ आपको इसके बॉक्स के अंदर जो होनी चाहिए। और इसका कौन मुझे एक ही लगता है कि इसमें जो वारंटी है, अभी यहाँ पे दिखाते नहीं है कि वारंटी कितनी आपको मिलती है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मैं पहले देखता था तो यहाँ पे जो है 3 मंथ्स की वारंटी देखने मिलती थी, यही मुझे कौन लगता है इसमें। अदरवाइज जो है रिव्यू के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से जो, और जो फीचर इसमें मिलते हैं उस हिसाब से इसमें कुछ ऐसे मेजर कौन नहीं। तो चलिए झट से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिकर लगा के आया, पता नहीं सभी इसमें आता है कि नहीं, इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय ओसाका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वगैरह। तो यहाँ पे मैं ऐसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अमेजोन के टेप के ऊपर वगैरह मिला है। तो यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है अंदर अगर बॉक्स देखे तो बॉक्स थोड़ा पिचक गया है, मुझे पता नहीं कितना विजिबल आ रहा है कैमरे में। और ये जो है शायद स्टैंड है, बॉक्स को निकालता हूँ अंदर वाले, तो इसे सीधे जो टेबल के ऊपर रखेंगे। तो बॉक्स जो है अंदर इस तरह से पहले ही ओपन हो गया है और कुछ सील वगैरह नहीं है इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हो बॉक्स ओपन ही था। और ये यहाँ पे दूसरा बॉक्स मिलता है जिसमें आपको स्टैंड देखने मिलेगा, ये आप देख सकते हो। इस तरह से ये दो चीज़ें देखने मिलती हैं, उसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के साइड में, अभी फोकस करते हैं इन दो चीज़ों पर। तो ये तो है हमारा स्टैंड जो कुछ 8 फीट एडजस्टेबल है, कुछ सोनिया वगैरह यहाँ पे लिखा है इन्होंने। तो इस तरह से साइड में, और यहाँ पे इस तरह से आपको जो इसका बॉक्स देखने मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें वगैरह यहाँ पे दिए। यहाँ पे हाई सी आ रहा है फॉर द ट्रू कलर्स, ड्यूअल पावर इनपुट है, हाई पावर आउटपुट है, 65 वॉट जो है इसकी रेटेड कैपेसिटी है। कलर टेम्परेचर आप इन नंबर्स के बिटवीन ऐड कर सकते हो। वायरलेस रिमोट इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, और टी ब्रैकेट माउंट इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, जिससे आप मोबाइल और DSLR कैमरा फोटोग्राफी कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे इनके यूट्यूब चैनल के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने QR वगैरह दिया है, मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेम सारी चीज़ें। तो झटपट से जो है बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर एक बैग देखने मिलेगी, तो बॉक्स को भी रख देते साइड में। अभी देखते हैं बैग के अंदर क्या है। उस तरह से जो है बैग देखने मिलती है, और बैग के अंदर जो है पहले हमें 18 इंचेस की जो है रिंग लाइट देखने मिलती है, इस तरह से 18 इंचेस आराम से रखते हैं, क्योंकि ये मेन पार्ट है। और बाकी सारी चीज़ें जो है ऐसे एक ही पाउच में इन्होंने दी है। तो इसे ओपन करके इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें होगी आपको दिखा देता हूँ। तो ये टी ब्रैकेट है, जैसे कि मैंने कहा था इसमें फ़ोन या DSLR लगा सकते हो, और ये इसके साथ शायद अटैच करना है यहाँ पे, बाद में अटैच कर देंगे। क्वालिटी वाइज जो ये ठीक ठाक देखने मिल रहा है मुझे, अगर प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह बात करें। यहाँ पे और एक है, ये कुछ यहाँ पे ओसा का प्रोडक्ट जो दूसरे अवेलेबल है उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने ये लीफलेट दिया है, तो आप इनके दूसरे प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हो। साथ ही इसे कैसे ऑपरेट करना है आपको, Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, up to 5 steps है। Picture 1, Picture 2 किस तरह से देखने मिलती है सेट करने के बाद, ये अदर प्रोडक्ट्स है। तो इस तरह से, और टी ब्रैकेट यहाँ पे आपको कैसे लगाना है वो भी यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में दिया हुआ है। फिर जो यहाँ पे ये वायर देखने मिलती है, ये रही वायर, वायर की क्वालिटी यहाँ पे अच्छे देखने मिल रही है, और वायर जो है अच्छी खासी लंबी भी यहाँ पे देखने मिल रही है। आप देख सकते हो बहुत लंबी वायर है। इस तरह से जो यहाँ पे आपको
कनेक्टर देखने मिलेगा और ये टू पिन है इस तरह से, ये रहा एक रिमोट। तो रिमोट यहाँ पे बड़े साइज में ऐसे देखने मिलता है, ये देखिए इस तरह से ओसा का लिखा है। और रिमोट की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी देखने मिल रही है। इंटेंसिटी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, 100% बैलेंस मोड यहाँ पे दिया है जो ऑटोमेटिकली इसे दबाने के बाद होगा शायद। वार्म एंड कूल के लिए जो है दो ऑप्शन यहाँ पे दिए है। और बैटरी इसके अंदर जो है यस आती है पहले से, तो आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। रिमोट और ये अगेन आपको इसे जो इस तरह से इसके अंदर कनेक्ट करना है और इसे जो है हमारे जो रिंग लाइट है उसमें कनेक्ट करके इसे जो आपको प्लग को लगाना है और पावर ऑन करना है। तो इसकी कैपेसिटी वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार कितना इनपुट है आउटपुट है और वार्निंग वगैरह यहाँ पे इन्होंने दी है। तो अभी मैं फटाफट से क्या करता हूँ जो रिंग लाइट है इसे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप रिंग लाइट देख सकते हो, आप इसके ऊपर अभी फोकस कीजिए, ये मेन पार्ट है। तो अगर क्वालिटी की वगैरह बात करूँ, जैसे मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे क्वालिटी अच्छी देखने मिल रही है। इसका मैंने कंपैरिजन देखा था डिजिटेक के साथ, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वीडियो में यही बताया जा रहा था कि क्वालिटी वाइज जो है ये डिजिटेक से थोड़ा बेटर है। लेकिन जैसे ही मैं कहीं कहीं पे यहाँ पे ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, आप सुन सकते हैं आवाज़ ऐसे दबाने के बाद जो हल्का सा ऐसे आवाज़ आ रही है, तो पता नहीं मतलब प्लास्टिक ढीला है या फिर क्या है वगैरह। लेकिन मुझे लग रहा है कि एवरेज अबव एवरेज क्वालिटी में कह सकते हो प्लास्टिक की। यहाँ पे आप सारे ये देख सकते हो बटन्स दिए यहाँ पे, ये कलर टेम्परेचर के लिए हो गए, ये कूल टोन वार्म टोन, ये स्टैंड बाय के लिए है, लो बैटरी इंडिकेटर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। ये शायद लाइट इंडिकेटर है यहाँ पे जो आपको हुक लगाना है एडजस्ट करके ऐसे। यहाँ पे बैटरी है अगर ओके, बैटरी के साथ अगर आपको इसे ऑपरेट करना है तो यहाँ पे जो है आपको बैटरी ऐड करनी हो, तो इसे बाद में चेक करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से आप इसे वाया बैटरी भी चला सकते हो। यहाँ पे हुक दिया है जिससे आप इसे हैंग कर सकते हो। और क्वालिटी जो है अगेन मैं कहूँगा अबव एवरेज है, ज़्यादा ऐसे कुछ रफ एंड टफ क्वालिटी मुझे इसकी नहीं लग रही है। अभी बढ़ते सीधे स्टैंड की तरफ जो बहुत हैवी है, तो बैटरी से मैं पहले रखता हूँ साइड में ताकि इसे कुछ डैमेज ना हो। और ये स्टैंड, तो आई होप कि स्टैंड जो है ठीक से दिख रहा है वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा है और हैवी भी लग रहा है मुझे। इसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि क्वालिटी स्टैंड की जो है अच्छी होगी। साइड में ये है स्टैंड इसका, तो इस तरह से जो है ये स्टैंड आप एक बार थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए, इस तरह से कुछ इसका स्टैंड देखने मिलता है। कुछ यहाँ पे सोनिया लिखा है SL-250, ये शायद इसका मॉडल नंबर होगा। तो यहाँ पे ये पूरी जो इसकी इसे जिससे मटेरियल से बनाया है वो जो है मेटल यूज़ किया गया है पूरी तरह से। और इस तरह से जो है आपको स्टैंड को नीचे रख के शायद ओपन करना है इस तरह से, और ये जो है ऐसे ओपन करके आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो तीन हाइट्स में। ओके, ये एक हाइट हो गई, मुझे लगता है कि यहाँ से भी ओपन हो सकता है। ओके, ये ऐसे ओपन होगा, ऐसे आप इसे ओपन करके यहाँ से क्लोज कर रहे हो, तो आप ये देख सकते हो कितना ऊपर तक जो है इसके हाइट जा रही है, इससे भी ऊपर है, तो इतनी हाइट की ज़रूरत नहीं है। ये जो लॉक है इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है। तो स्टैंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको अच्छा देखने मिलता है, आप देख सकते हो हैवी है और टफ है एकदम। तो स्टैंड की क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है मैं कहूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रिंग लाइट को जो है स्टैंड पे अटैच करके वाया डायरेक्ट करंट जो है मैं इसे ऑन करता हूँ और आपको जो है सारी इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है रिंग लाइट मैंने पूरी तरह से एडजस्ट कर दी है, इसके ऊपर मैंने लगा दी है। बेसिकली आपको क्या होता है, ये जो पार्ट आपको देखने मिल रहा है ये छोटा वाला, इसे जो है इस स्टैंड के ऊपर लगाया होता है उसे आपको निकालना है, रिंग लाइट को अंदर डाल के जो है यहाँ से इसे टाइट करना है। आप पीछे के साइड से भी एक बार देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फ़ोन भी अटैच किया है, जो टी ब्रैकेट आया था उससे मैंने फ़ोन यहाँ पे लगा दिया है, सारी चीज़ें लगाई है। इसे आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो इसे ओपन करके हुक को वगैरह। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट करंट से इसे चला रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे कनेक्ट किया है यहाँ पे सामने, तो मैं इसे डायरेक्ट करंट से चला रहा हूँ। अभी इस साइड में आइए, मैं यहाँ से आपको कुछ दिखाता हूँ लाइट किस तरह से देखने में क्या है वगैरह, क्या क्या मोड देखने मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट की लाइट देखने मिलती है। तो ये रहा इसका रिमोट,
तो अभी क्या करते हैं, रिमोट से इसे ऑन करते हैं। हमारी रिंग लाइट जो है ऑन हो चुकी है। फिर यहाँ पे आपको सेटिंग्स देखने मिलेंगी, यहाँ पे डायरेक्ट बटन को भी आपको ऑन करना होता है इसे, फिर आपको बटन से इस रिमोट के इसे ऑन करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा के लिए आप मैन्युअली कर सकते हो, और यहाँ पे रिमोट से भी कर सकते हो। इंटेंसिटी देखिए, अभी मैं इसे ब्राइट करते जाता हूँ, ब्राइट ब्राइट, तो अभी ये जो है फुल ब्राइट मोड पे है, ये आप देख सकते हो। ये अभी ये फुल ब्राइट है क्योंकि पाँचों जो इंडिकेटर है फुल दिखा रहे हैं। फिर जो है यहाँ पे अगर मैं इसकी वार्मनेस वगैरह कम ज़्यादा करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वार्म एंड कूल टोन। तो अभी ये जो है न्यूट्रल पे, आप देख सकते हो दो दो लाइट्स है, मतलब ये न्यूट्रल टोन पे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैं न्यूट्रल टोन दिखाना आपको, तो यहाँ पे आप कैमरा में भी देख सकते हो, ये रहा, ये जो है न्यूट्रल टोन है, आप देख सकते हो इस मोबाइल के स्क्रीन में जो टोन मैक्सिमम जो है वीडियो शूट के लिए, फोटो शूट के लिए यूज़ होते हैं। अभी मैं इसे जो है वार्म करते जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वार्म की जो लाइट है एक एक बढ़ती जाएगी। अब ये पूरी तरह से वार्म हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा वार्म देखने मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कूल पे दबाऊँ, तो आप कूल की जो है लाइट इंडिकेटर देख सकते हो, वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये अभी एकदम जो ट्यूबलाइट होती है हमारी घर की, वैसे कूलर टोन हो गया है। अभी इसे मैं न्यूट्रल करता हूँ, तो अभी ये न्यूट्रल है, दोनों भी जगहों पे दो दो पॉइंट है कूल एंड वार्म में, मतलब ये हो गया है न्यूट्रल। और ये पूरी ज़्यादा एकदम ब्राइट है, मैं यहाँ पे आपको एक बार जाके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कितना ब्राइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ब्राइट है ये, अभी मैं एकदम लाइट के सामने खड़ा हूँ। अभी मैं इसकी ब्राइटनेस कम करते जाता हूँ, तो लो से लो जो है आप इतनी कम कर सकते हो, ये बंद हो जाएगी। ये फर्स्ट है लेवल पे, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ तक जा रहा है, मतलब पूरे 10 लेवल तक जो आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो वायर रिमोट। तो इतनी ब्राइट जो आपको ये लाइट जो है देखने मिल जाती है, और मैं कहूँगा इनफ ब्राइट है, बड़ा रूम है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और यहाँ से जो है आप लाइट की जो रिंग लाइट को जो है ऊपर या नीचे जो है एडजस्ट कर सकते हो इसे लूज एंड टाइट करके। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे बंद करके वो सब एडजस्टमेंट करें। तो इस तरह से जो आपको अभी के लिए तो मुझे ये रिंग लाइट देखने मिल रही है, और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा ऐसे मीडियम इस पर भी रखो तो भी बहुत इनफ ब्राइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो उल्टा यहाँ पे जो है कैमरा ठीक से लाइट को जो कैप्चर कर पाता है। अगर मैंने इसे ज़्यादा रखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईलाइट थोड़े ब्लोन आउट हो जाते हैं। तो आपको रिकमेंड करूँगा इसे जो आप ऐसे मीडियम पे रखिए, मतलब 3 डॉट्स तक के ब्राइटनेस पे, डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे वगैरह कितनी लाइट अवेलेबल है वगैरह, अदरवाइज ये बहुत ब्राइट है। आप एक बार, और यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हो अगर ये ज़्यादा हीट वगैरह हो रही है लाइट, तो यहाँ पे ज़्यादा ऐसे ओपन ओपन पॉइंट दिए जहाँ से गर्मी बाहर निकलेगी। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ, आइए सामने। तो यहाँ पे भी ये फुल ब्राइटनेस पे होगा, तो आपको यहाँ पे जो ये जिससे लाइट के जो कवर है उसे कनेक्ट किया गया स्क्रू से, वो आपको दिखेंगे नहीं। और जैसे आप ब्राइटनेस इसकी कम करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्क्रू है जिससे रिंग लाइट की जो है बॉडी को और जो बीच का सारा मटेरियल है उनको जो ऐसे कनेक्ट किया गया है, तो ये चीज़ें यहाँ पे विजिबल है। अदरवाइज़ अगर आपको पता करना है कि किस तरह से रिंग लाइट कुछ, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, कोई लाइट बंद है या फिर कहीं से लीक है कुछ है, तो वैसे यहाँ पे कुछ भी आपको अगर होगा तो इजीली नोटिस हो जाएगा, जो मुझे अभी के लिए नोटिस नहीं हो रहा है। आपको लेस से लेस ब्राइटनेस पे इसे चेक करना होगा, या फिर कुछ आपको लीकेज है या फिर कोई लाइट इसका बंद है वगैरह, वैसे इसमें कुछ देखने नहीं मिल रहा है। सारी चीज़ें जो अच्छे से यहाँ पे मुझे काम करते देखने मिल रही है, और कोई यहाँ पे इशू नहीं है। बस थोड़ी मैं कहूँगा कि लाइट की, मतलब रिंग लाइट की जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक की स्पेशली, वो उतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसे ज़ोर से कहीं पे ऐसे दबाऊँ या फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ पाए या फिर कहीं से ऐसे टचका लग जाए इसे ज़ोरदार कुछ भी, तो जो क्रैक आ सकता है, टूट सकती है, तो आपको जो है इसकी सावधानी बरतनी है। अदरवाइज जो है स्टैंड दिखने मिल रहा है आपको नीचे, ये बहुत रफ एंड टफ है, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए जो ये ओसाका की जो रिंग लाइट है, अभी जो है आपको ओवरव्यू दिया मैंने इसे ओपन करके, मैं इसका फुल रिव्यू करूंगा, इसे मैं कुछ वीडियोस बनाने में यूज़ करूंगा, कुछ नहीं बहुत सारे वीडियोस। और जब मुझे लगेगा कि ये रिव्यू करने लायक मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, तो मैं आपको डेफिनेटली इसका जो है फुल रिव्यू आपको सेम चैनल पे दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपके क्वेश्चन नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, सबसे जरूरी अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।